कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसोली पश्मीना को जीआई टैग का दर्जा मिला है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर ने नाबार्ड जम्मू और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के समन्वय से ये उपलब्धि हासिल की है। इस साल की शुरुआत में जम्मू संभाग के राजौरी जिले की प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग का दर्जा मिला था। बसोली पश्मीना हाथ से काटा गया उत्पाद है जो अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। पश्मीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरी शामिल है। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू के कारीगरों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करके पंजीकृत कारीगरों के साथ साथ सहकारी समितियों की परिधि को बढ़ाकर समूहों को विकसित करने और उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदान करके बसोली पश्मीना के सदस्यों पुराने शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए हैं। समय के साथ बसोली में हथकरघा बुनाई, फली फूली और पश्मीना फाइबर की शुरुआत के साथ इसे और समृद्ध किया गया। ऐसा कहा जाता है कि कच्ची पश्मीना ने बसोली में अपना रास्ता बनाना तब शुरू किया था जब लेह लद्दाख के पश्मीना व्यापारियों ने इसे हथकरघा काम के केंद्र के रूप में खोजा। प्रारंभ में बसोली बुनकरों को पश्मीना बुनाई में चुनौतियां का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके जन्मजात बुनाई कौशल और कड़ी मेहनत की जीत हुई। नमी और तापमान सहित बसोली की पर्यावरणीय परिस्थितियां पश्मीना बुनाई के लिए अनुकूल थी। परिणाम स्वरूप लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से अधिक पश्मीना रेशे आने लगे। बसोली के कारीगरों ने बेहतर गुणवत्ता के कारण लद्दाख पश्मीना को प्राथमिकता दी। आपको बता दें कि जीआई टैग का दर्जा विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से संबंधित कुछ उत्पादों को दिए जाने वाला एक नाम है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।